बहुत खुशी है हमें, जिनको बड़े पर्दों पे देखा है, जिनके पूरे परिवार ने इतने सालों साल एंटरटेन किया है। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो आज जम्मू पहुंचे हैं, माता रानी का बुलावा आ गया आखिरकार। बिल्कुल आ गया। मैं सच कहती हूँ, मेरे भाई ने सिर्फ मेंशन किया कि कल मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के पास। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। ये मुंह से निकल गया और मुंह से निकला हुआ अम्मा के माँ के लिए ये वापस नहीं जा सकता है। मैं तैयार हो गई, भाभी के साथ आई हूँ, भैया मेरे लेके आए हैं मुझे यहाँ पर, और मुझे पता चला कि कंपटीशन हो रहा है और हमें जज करना है। सर आंखों पर अंदाज है सोनाक्षी जी का, वो मुझे लगता है उनके पास कोई बात करते हुए घबराता होगा, जिस तरह में उनका दबंग अंदाज, जिस तरह वो बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पापा की तरह है वो। हाँ, बहुत एंड टच वुड, इज्जत है उसकी इंडस्ट्री में, बहुत इज्जत है एंड हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले। पूनम सिन्हा जी जम्मू आई हैं, उनसे खास मुलाकात करेंगे। मैम बहुत खुशी है हमें, जिनको बड़े पर्दों पे देखा है, जिनके पूरे परिवार ने इतने सालों साल एंटरटेन किया है, वो आज जम्मू पहुंचे हैं, माता रानी का बुलावा आ गया आखिरकार। बिल्कुल आ गया। मैं सच कहती हूँ, मेरे भाई ने सिर्फ मेंशन किया कि कल मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के पास। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। ये मुँह से निकल गया और मुँह से निकला हुआ माँ के लिए ये वापस नहीं जा सकता है। मैं तैयार हो गई, भाभी के साथ आई हूँ, भैया मेरे लेके आए हैं मुझे यहाँ पर, और मुझे पता चला कि कंपटीशन हो रहा है और हमें जज करना है। सर आंखों पर। कपिल शर्मा के शो में हमने आपको देखा था, शत्रुघ्न सिन्हा जी वहाँ पर थे। एक सवाल कपिल ने पूछा था, कहा था कि घर पे किसकी चलती है, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आपकी तरफ इशारा किया था, देखिए जी आप तमाम लोग जानते हो कपिल, आप खुद मैरिड हो, चलती हमेशा बीवी की है। आपसे पूछते हैं कि घर पर आखिरकार किसी चलती है, आपका ज़्यादा प्रभाव रहता है या सोनाक्षी जी का ज़्यादा रहता है, क्योंकि सोनाक्षी सबकी लाडली है। सोनाक्षी का ही रहता है इनके ऊपर। मैं थी लेकिन अब सोनाक्षी ने टेक ओवर कर लिया है। लव कुश की बात करें तो कभी उनके जहन में नहीं आया, क्योंकि आपने इतनी फ्रीडम अपने बच्चों को दी कि जो आपकी मर्जी करती है, मन करता आप कीजिए, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाइए। एक बॉडी बिल्डर हैं, हमें बिग बॉस में भी दिखे, तो क्या उनमें से किसी का झुकाव नहीं हुआ कि हम इंडस्ट्री में आए और एज एक्टर? क्यों, लव तो है एक्टर, लव ने एक्टिंग की है, उसकी लास्ट फिल्म थी पलटन जेपी दत्ता की, और कुश की फिल्म अभी बनी है, उसने बनाई है सोनाक्षी के साथ, उसका नाम है निकिता रॉय, और अभी उसकी बस पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है और जल्द ही शायद जनवरी तक उसकी फिल्म रिलीज होगी। एक काफ़ी पर्सनल सवाल है, शायद मेरे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरीके से उनको फिल्में मिल रही थी एक के बाद एक बेहतर फिल्में, और लोग उनको पसंद करने लगे कुछ हीरोइनों के साथ, जब आपके साथ उनकी शादी हुई तो किस तरीके से उन्होंने आपको मनाया शादी के लिए, या कहा कि जैसे कहते हैं कि प्रपोज किया कि देखिए जी आप मेरी जीवन संगनी हैं, बस मेरे को आप ही से शादी करनी है? ये तो था, लेकिन सिर्फ 14 साल मुझे बनवास पहले ही दे दिया था उन्होंने जी। शादी से पहले ही मैंने 14 साल बनवास देख लिया ये सोच के कि ये कलयुग है जी। तो कलयुग में शादी से पहले ही मैंने बनवास देख लिया था, लेकिन बाद में सब अच्छा हो गया, मेरे पेरेंट्स मान गए, और वैसे नहीं मान रहे थे लेकिन मान गए फाइनली, एंड एवरीथिंग इज नाइस। उसकी वजह ऐसी तो नहीं थी कि देखो जी ज़्यादा नेगेटिव रोल करते हैं तो इस वजह से? नहीं, एक्टर तो हर काइंड ऑफ रोल करता है, हर तरह का रोल करता है, लेकिन हाँ एक रिजर्वेशन था कि एक्टर है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बाद में इतना अच्छा हो गया कि हमें 43 ईयर्स हो गए हैं शादी होके मेरी, सो आई एम वेरी हैप्पी। जी काफ़ी सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने प्रेस वार्ता में पूछा कि कितना ज़रूरी हो जाता है, एक माँ बाप के संस्कार बच्चों में तो दिखते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये पता होना कि मुझे अपनी पहचान खुद की बनानी है, जैसे सोनाक्षी ने बनाई, जिनके पिताजी लेजेंड, जिनके माताजी लेजेंड, कितना ज़रूरी आजकल की जनरेशन को ये समझना कि आप मेहनत करोगे, सब्र का फल करोगे, मीठा मिलेगा ज़रूर, लेकिन अपना नाम खुद पहुँचाना बनाना। हाँ नहीं, ये तो सारे बच्चे आजकल के जानते हैं, इस जनरेशन के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एक्सपोजर उनको मिला है, और इसलिए उनको ये पता है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं अपने आप को, जैसे कि ये कहते हैं कि अगर बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते हो या बेस्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर आप अपने आप को अलग साबित करो,
ताकि आप दिखोगे, लोग बोलेंगे अरे इसने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये बच्चों को सीख इन्होंने सबसे पहले यही सीख देती कि इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट ट्राई टू बी डिफरेंट। अलग क्या आप इस बात से सहमति जताते हो जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा जी ने अपना नाम मेहनत करके बनाया, एक्टिंग के बलबूते उन्होंने बताया, तमाम उन लोगों पर चुप्पी सादगी जो ये कहते थे चलो स्टार किड है इन्हें तो मौके मिल जाएंगे। बहुत से स्टार किड इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने प्रोफेशन चेंज कर लिए, लेकिन सोनाक्षी ने अपनी पहचान बनाई है, कईयों के लिए रोल मॉडल, कईयों के लिए इंस्पिरेशन है। तो ये एक एज ए पेरेंट प्राउड मोमेंट फील होता है, बहुत ज़्यादा। शी हैज़ मेड अस वेरी प्राउड, बहुत ही उसने हमें प्राउड फील करवाया है। एंड ऑफकोर्स माता रानी का आशीर्वाद है। एंड पहली फिल्म से ही उसने ना फिल्म की एक्टिंग सीखी है, ना डांस सीखा है, कुछ भी नहीं उसने सीखा। सीधा अपने कॉलेज से वो दबंग के लिए चुनी गई। सलमान खान ने उसको बोला कि तुम वेट लूज करो और मैं तुमको अपनी हीरोइन बना दूंगा। दबंग का एक एक डायलॉग हर एक को पसंद है, लुटेरे मूवी उनकी आई, ना जाने कितनी मूवीज, और क्या ये कह सकते हैं कि वेंस में है, ये ब्लड में है। वो तो है 100% है। और मुझे अच्छा लगता है कि पापा पे गई है वो। हो सकता है लोग बोलते हैं कि जो टैलेंट उसका है वो पापा का है, लेकिन ब्यूटी मम्मी की है। वो जो दबंग अंदाज है सोनाक्षी जी का, वो मुझे लगता है उनके पास कोई बात करते हुए घबराता होगा, जिस तरह में उनका दबंग अंदाज, जिस तरह वो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल 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 पापा की तरह है वो। हाँ बहुत एंड टच वुड इज्जत है उसकी, इंडस्ट्री में बहुत इज्जत है, एंड हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले। चलो माता रानी आप पे और आपके परिवार की कृपा बनाए रखिए। तो हमारे साथ पूनम सिन्हा जी थे, आज मौका मिला इनसे बातचीत करने का, और काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है, खुश मिजाज इंसान है, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। फिलहाल आप देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।